सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी टेक वेब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने हो तो। हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, पिछले 2 वीक में मुझे वीडियो क्रिएट करके अपलोड करने में टाइम नहीं मिला क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। लेकिन कोई बात नहीं, लेके आया हूँ आपके लिए आज एक नया और फ्रेश वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ड्यू टैग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन इतना ही यूज़फुल भी है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर मेनू बार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग नेविगेशन बार बोलते हैं, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो नेविगेशन बार HTML में कैसे बनाएंगे यूजिंग CSS, वो हम लोग आज देखेंगे। उसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, चलते हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो हमें क्या करना है आज के इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि ये नेविगेशन बार इस तरह कोई भी वेबसाइट पर अगर आपको लगाना है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह हम लोग आज ये बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस टाइप के नेविगेशन मेनू बार्स होंगे। यूजिंग HTML और CSS हम लोग ये कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अभी कोडिंग के यहाँ पे। तो कोडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी कोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैंने index.html करके फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, और जिसके हम लोग अंदर डिज़ाइनिंग का पार्ट करेंगे। .css करके एक स्टाइल .css करके मैंने एक CSS फाइल बनाया है, जिसके अंदर हमें जो भी वो वेबसाइट के लिए नेविगेशन बार के लिए जो भी CSS अप्लाई करना है वो फाइल के अंदर करेंगे। और एक जस्ट सिंपल बैकग्राउंड के लिए मैंने एक इमेज ले चुका हूँ। ठीक है, तो देखते आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये CSS फाइल है और ये HTML फाइल है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का नाम दे दिया, टाइटल वेबसाइट नेविगेशन करके। ठीक है, अभी यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग UL टैग अप्लाई करेंगे। UL टैग क्या करेगा, अनऑर्डर लिस्टिंग का काम करेगा जो हमें मेनू बार के लिए चाहिए। तो UL के अंदर हम लोग लिखते हैं li टैग को ओपन करेंगे, मतलब लिस्ट आइटम ओपन करेंगे। जितने भी मेनू चाहिए मुझे मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ऐसे मुझे 5 मेनू चाहिए, तो सपोज़ मैं ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ 5 बार। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले में मुझे क्या चाहिए, होम करके लिखना चाहिए, मतलब होम करके मेरा एक मेनू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंकर टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि एक लिंक है, क्लिक करने के बाद मुझे दूसरे वो होम पेज पे जाना है। इसके लिए अभी यहाँ पे HREF में मैं हैश लिख रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ लिंकिंग देना नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे हैश लिख दिया और होम लिख दिया। इसको ही कॉपी पेस्ट करके हम लोग ऐसे 5 मेनू बना लेते हैं। बाद में मैं यहाँ पे होम की जगह पे चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सेकेंड वाला मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। थर्ड वाले पे लिख देता हूँ मैं सर्विसेस। फोर्थ वाले पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। और फिफ्थ वाले पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने 5 मेनू मेरे वेबसाइट के लिए बना के रख दिए हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग जस्ट सिंपली रन करके आउटपुट देख लेते हैं इसका। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्टिंग में आ चुके हैं यहाँ पे मेरे 5 भी मेनू जो मैंने क्रिएट किए थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको CSS अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल .css करके जो फाइल है यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने UL टैग को CSS अप्लाई करना है, UL टैग को ओपन कर देता हूँ। क्या CSS अप्लाई करना है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि क्या होता है वो, और पैडिंग 0 कर देता हूँ। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है वो पैडिंग और मार्जिन सेट करके रखता है डिफ़ॉल्ट। ये जो साइज़ है यहाँ का जो पहले का है वो निकालने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। ओ तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये CSS को लिंक नहीं किया है HTML के थ्रू। तो हम लोग HTML में हेड के अंदर आके यहाँ पे लिंक उसको दे देते हैं CSS फाइल को। तो मेरा CSS फाइल है CSS फोल्डर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है CSS फोल्डर / वो CSS फाइल का नाम है style.css।
तभी ये जाके लिंक होगा CSS का फाइल को, और CSS के अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो मार्जिन और पैडिंग मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं ले देखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, क्योंकि जो भी UL टैग होते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट बुलेट्स अप्लाई हो जाती है, तो मुझे बुलेट नहीं चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आगे बुलेट थी, ठीक है, तो वो हट गई है यहाँ से, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे हम लोग LI के ऊपर अप्लाई करना जाएंगे जो भी हमें स्टाइल अप्लाई करना है। तो LI टैग के अंदर हम लोग आते हैं स्टाइलिंग के लिए, और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग UL को हाइट एक प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक मुझे हाइट प्रोवाइड करना है मेनू बार के लिए। तो यहाँ पे सपोज मैंने 36 पिक्सल्स हाइट प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर मेरे मेनू बार के जो पट्टी रहेगी, जो बार रहेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं हैश 000 मीन्स ब्लैक कलर में मुझे वो चाहिए। तो जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैक कलर का मेनू बार का एक बार क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जिसका हाइट है 36 पिक्सल जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे फॉन्ट डैश फैमिली, यहाँ पे कुछ फॉन्ट डैश फैमिली में अप्लाई कर रहा हूँ, एरियल वाला, जो भी आपको फॉन्ट फैमिली आपकी वेबसाइट पे चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई कर रहा हूँ अलग अलग फॉन्ट्स, हेलवेटिका, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट कुछ अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी इसके बाद में हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, फॉन्ट को मुझे साइज़ देना है, थोड़ा छोटा करना है, तो इसके लिए मैं 13 पिक्सल यहाँ पे उसका साइज़ दे रहा हूँ 13 पिक्सल, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, आप देख सकते हो फॉन्ट का साइज़ चेंज हो चुका है। अभी लिस्ट आइटम के अंदर आके हम लोग लिख देते हैं फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि मुझे एक लाइन में चाहिए, एक के नीचे एक नहीं चाहिए। तो मैं फ्लोट लेफ़्ट जैसे करता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एक के बाजू में एक आ चुका है एक लाइन में। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ राइट साइड में, क्योंकि हर एक मेनू के राइट में मुझे बॉर्डर चाहिए, एक स्लैश चाहिए। तो यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर देता हूँ हैश हेक्साडेसिमल में 15 6 EE 2, ठीक है। ये ब्लूइश कलर का मैंने सिलेक्ट किया है, जिसे रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हो हल्का सा एक ब्लूइश कलर का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आके प्रोवाइड कर लेते हैं ए टैग को ओपन करके, यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, ठीक है, मतलब जो भी है मुझे ब्लॉक वाइज चाहिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन में चाहिए, इसके लिए मैंने डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे लिख दिया है। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो पैडिंग, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0, मतलब टॉप और बॉटम में 0 और लेफ्ट एंड राइट में 28, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिक्सेल डाल देता हूँ 28 पिक्सेल के बाद में यहाँ पे मुझे कलर अप्लाई करना है एंकर टैग के लिए FFF, मतलब वाइट कलर में मुझे मेनू दिखने हैं, तो इसके लिए मैंने FFF डाल दिया, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो चेंजेस हो चुके हैं। अभी हम लोग UL टैग के अंदर आते हैं। अभी लाइन हाइट हमें प्रोवाइड करना है। लाइन हाइट मतलब क्या, आपका जो भी मेनू है वो ऊपर के साइड में अभी फ़िलहाल के लिए है, तो उसको मुझे एट द सेंटर में आना चाहिए। इसके लिए मैं लाइन हाइट 36 पिक्सल ही डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव करके पेज पे आके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये जो मेनू है वो भी सेंटर में आ चुका है परफेक्टली। अभी नीचे उसके हर एक मेनू के नीचे अंडरलाइन है, वो मुझे हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं एंकर टैग में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डेकोरेशन नन, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे का जो भी अंडरलाइन है वो हट गया है, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन हो चुका है, ठीक है। अभी आगे
यहाँ पे मैं एच ओवर एक इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे हम लोग माउस लेके जाएंगे वो मेनू के ऊपर, तो क्या इफेक्ट आना चाहिए वो हम लोग होवर में लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कलर बेसिकली उसका चेंज करना है बैकग्राउंड में। जब माउस लेके जाओ तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक अप्लाई कर रहा हूँ हैश, जो मैंने 156 वाला जो लिया था हेक्साडेसिमल ब्लूइश टाइप में, वही ले लेता हूँ यहाँ पे भी हैश 156 EE2, ठीक है, सेव कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि माउस लेके जा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच ओवर का इफेक्ट यहाँ पे आना चालू हो चुका है, ठीक है। ये होता है होवर का इफेक्ट, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना है, जो मेनू है होम वाला वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, इसके लिए उसका कलर मुझे बाय डिफॉल्ट ही रखना है। तो मैं यहाँ पे एल आई जो है होम का, यहाँ पे आके क्लास अप्लाई कर देता हूँ एक, जिसको मैं नाम देता हूँ एक्टिव, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी वेबसाइट ओपन होगा तो वो हाईलाइटेड रहेगा, मतलब इट इज़ अ होम पेज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डॉट क्लास यूज़ किया, इसके लिए डॉट एक्टिव करके उसका नाम है वही ले लेता हूँ, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट रखना है। इसके लिए मैं एच ओवर वाला जो है वही कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर इसको अप्लाई है, मतलब क्या ये होम पेज का ही स्टार्टिंग पेज डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके आगे अभी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड हमारे वेब पेज के लिए एक डाल देते हैं। तो बॉडी टैग को हम लोग CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे आके बैकग्राउंड URL एक इमेज को, URL जो हम लोगों ने इमेज लिया उसका URL यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं, बैकग्राउंड URL। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज भी मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरह मैंने एक डिफ़ॉल्ट हम लोग सिंपल मेनू बोल सकते हैं ये अप्लाई कर दिया है हम लोगों ने, नेविगेशन एक सिंपल नेविगेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।